अमल अग्रवाल की क्लास नाइन्थ के चैप्टर नंबर वन रैशनल एंड इरेशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर वन है. इंसर्ट अ रैशनल नंबर बिटवीन 2/9 एंड 3/8, ऑल्सो अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका जो डिनोमिनेटर है ना उसको सेम करेंगे. तो मेकिंग डिनोमिनेटर्स सेम, ओके, सो वी हैव टू राइट मेकिंग डिनोमिनेटर्स सेम. So we have 9 and 8 denominators, so we will multiply 9 from 8 and 8 from 9, okay, because when we multiply 9 into 8 or 8 into 9, we'll get 72, because LCM of 9 and 8 is 72, that's why hum logon ne ise multiply kiya, okay. So we'll get here 16 upon 72 and 27 upon 72. सी, अब हम एक नंबर लाइन की हेल्प से समझेंगे कि जो हमारे नंबर्स हैं जो कि 16 अपॉन 72 है और 27 अपॉन 72 है, अब इसके बीच का जो टर्म है उसको हम फाइंड आउट करेंगे कि इन दोनों के बीच का एक नंबर, एक रैशनल नंबर इन दोनों के बीच का, वो हम अब फाइंड आउट करेंगे, ओके. सो उनके बीच का रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके इसका हाफ कर देंगे, ओके. तो हम क्या करेंगे, 16 अपॉन 72 एंड 27 अपॉन 72 को प्लस करके इनका हाफ कर देंगे, ओके. सो कॉमन प्लस करेंगे तो 72 जो है वो डबल बार है, डबल डिनोमिनेटर है, तो हम इसको कॉमन हो जाएगा 72, तो इन दोनों को प्लस करके इसका हाफ कर देंगे, फिर हमारा आएगा 43 अपॉन 72 इंटू 2, ओके. तो फिर 43 अपॉन 144 हमारे इधर आ जाता है इन दोनों का डिफरेंस. तो यही हमारा आंसर था, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच का एक रैशनल नंबर निकाल दिया, तो इन दोनों के बीच का कोई भी एक रैशनल नंबर आ गया, ओके. तो यही हमारे क्वेश्चन में गिवन है. अब हमें क्या करना है, इसका डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर. तो हमारी ये नंबर लाइन में गिवन ही है कि 16 अपॉन 72 पहले आ रहा है, इसका मतलब ये छोटा है, तो 27 अपॉन 72 सबसे बड़ा है, तो उसे पहले लिखेंगे. उसके बाद जो मिडिल टर्म है, डेट इज़ 43 अपॉन 144, इसको लिखेंगे. उसके बाद क्या करेंगे, हम लास्ट का जो टर्म है ना उसको लिख देंगे, डेट इज़ 16 अपॉन 72. तो ये नंबर लाइन का ऑर्डर लिखने के बाद जो हमारा नेटिव ऑर्डर है उसको लिख देंगे, डेट इज जो 27 अपॉन 72 था, उसके डिनोमिनेटर को सेम करने से पहले कौन सा नंबर था वो, तो वो था 3 अपॉन 8. तो हम 27 अपॉन 72 के प्लेस पर क्या लिख देंगे, 3 अपॉन 8. सो लिख देते हैं. उसके बाद 43 अपॉन 144 एज इट इज था, ठीक है, वो मिडिल टर्म निकला था. उसके बाद 16 अपॉन 72, उसको जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो उसके पहले वो डिनोमिनेटर सेम किया था, तो उसके पहले वो क्या था, वो था 2 अपॉन 9, ओके. अगर आपको फेयर नोट करना है ये सॉल्यूशन, तो आप इधर से देख के फेयर नोट कर सकते हैं.